आम चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्राइम टीवी से कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील पाठक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग के लिए सोचा है और जल्दी ही यूपी में बड़ी रैलियां भी कांग्रेस आयोजित करने वाली है। इस दौरान और कुछ प्राइम टीवी पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत पाठक जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कार्यालय में हुई है जिसमें जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको लेकर तमाम बातें बताई गई हैं। किस प्रकार से यह घोषणा पत्र कांग्रेस को आगामी चुनाव में जीत दिलाने की भूमिका निभाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार लोगों के बीच में रह के उनकी बातों को सुना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लोगों के बीच गए, उनके दुख दर्द को जाना, समझा और बहुत ही सोच विचार के बाद केंद्रीय कमेटी, वरिष्ठ नेताओं और इकोनॉमिस्ट और ज़मीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है और समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी लेके आई है। वो किसान हो, वो युवा हो, श्रमिक हो, महिला हो, हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ ना कुछ सोचा है और हमने वादे निभाते हैं। हमने रोज़गार की बात की थी जब पिछले यूपीए सरकार में, तो हम मनरेगा लेके आए थे। हमने किसानों के कर्ज़ माफ़ी की बात की थी तो हमने किसानों के कर्ज़ माफ़ किए और लगातार तमाम जो भोजन का जो आज मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं 5 किलो, वो भोजन का अधिकार कांग्रेस ने ही दिया था। कांग्रेस अपने वादे पूरा करने के लिए जानी जाती है और मोदी जी वादा खिलाफी के लिए। वो अमित शाह जी का मशहूर बयान कि वो चुनावी जुमला था, तो कांग्रेस जुमले नहीं देती है, लोगों से सही वादे करती है, उन वादों को पूरा करती है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम भाजपा के नेता लगातार यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार अब तक चुनावी प्रचार करती हुई नहीं नजर आ रही है और आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो अखिलेश यादव से मिलने गया था, तो कब तक ऐसा माना जाए कि यूपी में विपक्ष एक साथ रैली करता हुआ नजर आएगा चुनाव से पहले? देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये लोग चुनावी पर्यटक हैं। ये लोग बीच बीच में चुनाव होता है तो अपना एजेंडा लेके चले आते हैं। हमारे नेता तो लगातार यूपी में काम कर रहे थे। अभी राहुल जी की यात्रा पिछले महीने ही यूपी होके गुजरी, 8 दिन वो यूपी में थे, 8 दिन उन्होंने लोगों से मुलाकात की, अपनी बात कही और जल्दी ही हम लोग के भी नेता अगर आप रैलियों की बात कर रहे हैं तो जल्दी ही चुनावी रैलियाँ हमारी तरफ से भी आयोजित की जाएंगी। हमारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश आएंगे और पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत पाठक को, जिन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि रायबरेली और अमेठी से जो है गांधी परिवार के ही सदस्य चुनाव लड़े, पूरी कांग्रेस यही चाहती है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। कांग्रेस